हाय गाइज, वेलकम बैक टू एम्पलीफायर कनेक्शन। तो गाइज, आज हम इस स्पीकर को काट कर देखेंगे क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या ख़राब होता है वो चीज़ें भी बताऊंगा, और इसके अंदर एक एक पार्ट जो लगा हुआ है, ठीक है, वो भी आप देख लेना इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इनको हटा लेंगे, ठीक है। तो एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ भाई, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसको हटा लेंगे, और हटाने के बाद ये बच जाएगी हमारी कोन, जो कि देख सकते हो पेपर कोन है ये। और ये जो स्पीकर है ये हमारा लगभग लगभग फुल रेंज का ही इसको मान के चलेंगे हम, ठीक है। हालांकि ये रिपेयर करवा के लेके आने थे, बट मैं सोच रहा हूँ इसको मैं खुद रिपेयर करके देखूँगा, क्योंकि हमने पहले भी एक स्पीकर बनाया था काफ़ी दिन पहले, जो कि 155 mm मैग्नेट का हमने बनाया था, आप लोगों ने देखा भी था। और वो स्पीकर मैंने किसी भाई को गिफ्ट कर दिया था, और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। तो ये बच गई हमारी कोन। तो ये जो कोन है गाइस, इसको हम अगर हम इसको नहीं चेंज करना चाह रहे हैं तो हम इसको प्रॉपर तरीके से यहाँ से कट करके प्रॉपर तरीके से इसको उतार लेंगे, ठीक है। अगर आप इसको नहीं चेंज करना चाह रहे तो इसको हमें प्रॉपर तरीके से यहाँ से ऐसे निकाल लेना चाहिए। लेकिन मुझे इसकी जो कोन है इसको भी चेंज करना है, ठीक है। तो मैं इसको सीधे सीधे ऐसे कट कर दूंगा। तो चलिए इसको देखते हैं, ये कट होती है या नहीं होती है। इससे वो हार्ड है, ये थोड़ी सी हार्ड है, लेकिन इतनी भी हार्ड नहीं है कि ये इससे ना कटे। तो इसको हम काट लेंगे प्रॉपर तरीके से। तब तक भाई चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जो नए बंदे हैं वो चैनल को ठोको, लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो। तो ये मैंने इधर से इसकी जो कोन है इसको कट कर दिया है, देख सकते हो। कोन के बाद जो हमारी चीज़ होती है गाइज, ये इधर डस्ट कैप है, तो इसको मैं फाड़ देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके की इसके ऊपर लगी हुई थी, और इसके अंदर से देख सकते हो आप ये जो कोइल है ये साफ साफ दिख रही है। हमें यही देखनी है कि भाई किस तरीके से ये जली हुई है, ठीक है। ये 8 ओम के स्पीकर हैं, ये है हमारी स्पाइडर जो कि इधर है, ठीक है। ये देखो, इधर है ये अपने टर्मिनल लगे हुए हैं दो, जिसके अंदर से इनको लीड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो तार होती है इनको लीड बोलते हैं, स्पीकर लीड। यहाँ पे टर्मिनल लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पे खाली पत्ती लगाई हुई है इन्होंने, ठीक है। तो इनको भी कट कर लेंगे हम। तो ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। तो कट करने के बाद बच गई हमारी स्पाइडर, तो स्पाइडर को भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडर कट होगी तभी जाके जो हमारी कोइल है इसकी अंदर वाली वो निकल पाएगी। तो मैं स्पाइडर को कट कर लेता हूँ एक बार। तो गाइज, ये मैंने यहाँ पे स्पाइडर को कर लिया है कट। तो स्पाइडर कट करने के बाद ये कुछ हमारा इस तरीके का हिसाब किताब है। तो यहाँ पे जो कोयल का साइज है वो सही है, एक नंबर है, लेकिन कोयल यहाँ पे जल चुकी है पूरी तरीके से, देख लो आप, ठीक है। ये जो कोयल है ये जल चुकी है, ये देखो क्या हालत हो चुकी है इसकी। तो इसका रीजन यही है कि ये जो स्पीकर है ये कम वोट का था, और ये ज्यादा वोट के एम्पलीफायर पे फुल वॉल्यूम पे चला गया है, तो ये जिस वजह से इसकी जो कोइल है वो डैमेज हो चुकी है। ये जो कोइल है ये पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुई है, ये ऊपर ऊपर से डैमेज हुई है, ठीक है।
जो ये वाली साइड है ये कुछ बची हुई है इसकी, लेकिन उधर से ये प्रॉपर तरीके से डैमेज है। ठीक है, तो अभी इनको रखते हैं साइड में। और ये कोयल का साइज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार, मेरे को कुछ मिल गया तो। कोयल्स का जो साइज है गाइस वो है इसका लगभग 4 mm के करीब है। ठीक है, अगर हम इसको इंच में देखते हैं या सेंटीमीटर में देखते हैं तो ये लगभग हमारी 1.5 इंच के करीब होती है। ठीक है, तो 1.5 इंच की जो वॉइस कोइल है गाइज इसके अंदर। ठीक है, और इसका जो पर्दा है ये देख लो कैसा है। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो साइड में रखने के बाद यहाँ पे ये हमारा रह गया इसका फ्रेम पूरा। तो फ्रेम देख लो आप कैसा है, किस तरीके का है। ये यहाँ पे जो इसकी स्पाइडर थी वो चिपकी हुई है। तो इसको रिपेयर करते टाइम आपको ये पूरा उतार देना है। ठीक है, इसको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उतारना है। और जिस साइज की इसके अंदर स्पाइडर लगी हुई है, स्पाइडर इसके अंदर काफ़ी बड़ी लगी हुई है, और जो बड़ी स्पाइडर होती है वो अच्छी होती है। ठीक है, ये नहीं है कि छोटी स्पाइडर बुरी होती हैं, लेकिन स्पीकर के हिसाब से देखना होता है कि स्पीकर आपका किस तरीके का है, उसी के हिसाब से जो स्पाइडर है वो आपको लगानी होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये होता है हमारा जो कोयल जिसके अंदर डलती है, ये हमारा वो हिस्सा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी कोयल डलती है इसके अंदर, इसके अंदर डल के। तो गाइज अब हम इसकी जो वॉइस कोयल है उसकी बात करेंगे। तो वॉइस कोयल यहाँ पे चलती है, ठीक है, अप डाउन जो होती है, और यहाँ पे हमारी स्पाइडर रहती है। तो स्पाइडर जो वॉइस कोयल होती है उसको, और जो हमारा इसका जो ऊपर वाला कोन था उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, अप डाउन करने में पूरा सपोर्ट करती है, और उनको एक सेंटर में लेके आने का काम होता है हमारी स्पाइडर का। ठीक है, तो स्पाइडर आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोयल भी अच्छी होनी चाहिए, जो आपकी कोन है वो भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि एक बेस्ट स्पीकर बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें स्पीकर के अंदर लगती हैं वो सारी की सारी आपकी बेस्ट क्वालिटी की और एक अच्छे डिज़ाइन के साथ होनी चाहिए, तब जाके आपका जो एक स्पीकर है वो परफेक्ट बन पाता है। और रही बात वॉइस कोयल की, तो वॉइस कोयल जैसे हम बात करते हैं जैसे 8 ओम, 4 ओम, ठीक है, या 2 ओम होती हैं, तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है जो हमारी कोयल की तार होती है इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना मोटा है कितना पतला है। और जो वोट होती है स्पीकर की वो भी लगभग लगभग इसी पे डिपेंड करती है कि हमने इसके अंदर जो ये वायर लगाई है, ठीक है, ये हमने कितने लेयर की वायर हैं। ठीक है, 2 लेयर है, 4 लेयर है, 6 लेयर है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पे ये डिपेंड करती हैं। तो अभी हम इसके अंदर जैसे मैं बताता हूँ आपको इस स्पीकर के जलने का कारण, वैसे तो मैंने बता दिया कि जो एम्पलीफायर था वो ज़्यादा वोल्टेज का था और जो ये स्पीकर थे ये कम वोल्टेज के थे। तो हुआ यूँ था कि ये जो स्पीकर थे ये 2 स्पीकर थे, ठीक है, और साथ में मिड वगैरह थी। तो लगभग लगभग इनको पैरेलल में करके चलाया गया था। तो पैरेलल में करने के बाद ये लगभग लगभग 2 ओम के करीब हो जाते थे, जबकि जो हमारा एम्पलीफायर था वो था 4 ओम का। और 2 ओम पे करने के बाद जो एम्पलीफायर की आउटपुट थी वो डबल हो गई थी। ये नहीं है कि एम्पलीफायर 2 ओम पे नहीं चल पाएगा, एम्पलीफायर वो 2 ओम स्टेबल था, लेकिन जैसे आप ओम घटा देते हो स्पीकर का, ओम घटा देते हो, तो जो एम्पलीफायर की आउटपुट है वो ज़्यादा हो जाती है। लेकिन स्पीकर हमारे कम वोल्टेज के थे, तो फुल साउंड पे इनको चलाया गया था, तो इसलिए जो हमारे स्पीकर हैं वो खराब हो गई। तो इस बात का यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एम्पलीफायर है और जो स्पीकर हैं हमारे, इनके जो ओम हैं उनको मैच करके हमें चलाना चाहिए, और जो वोल्टेज है उसको भी मैच करके चलाना चाहिए। मुंह उठा के कुछ भी नहीं करना है कि कैसे भी लगा के कैसे भी घुसा दिया तार इसके अंदर, तो इस तरीके का हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो गाइज ये थी मोटी मोटी सी वीडियो, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गई होगी। और इसकी जो रिपेयरिंग वाली वीडियो है वो भी जल्दी ही आएगी, हम इसको रिपेयर करेंगे।
और पीछे से कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेट इसके अंदर दिखती है। ठीक है, तो ये थी हमारी मैग्नेट। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।